उनको मुस्तकिल इन्फॉर्म किया जाए कि उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में या दीगर इंस्टीट्यूशंस में कैसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि फैमिली जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन इन हिज और हर चाइल्ड एजुकेशन पेरेंट्स जो हैं बींग द प्राइमरी केयर गिवर्स दे नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म्ड अबाउट द बिहेवियर डेवेलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन आमतौर पर देखा यह जाता है कि हम एकेडमिक साइट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं वी कीप पेरेंट्स इन द लूप एज फार एज द एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कंसर्ड बट वी सेल्डम टेक केयर ऑफ दियल एस्पेक्ट इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब हम कोई भी करिकुलम बना रहे होते हैं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट द करिकुलम इज कोगनेटिव एंड इफेक्टिव इंटीग्रेटेड आमतौर पर वेन द करिकुलम इज ड्रिवन कॉगनेटिवलीट यूजली इज

सिक्योरली एंड सेफली इन द लार्जर सोसाइटी उसके लिए जो बिहेवियर है वो बहुत जरूरी है तो इसके लिए इस अमल में यह बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट्स को मुस्तकिल इन्फॉर्म रखें और इसका असर यह होता है कि मोस्ट ऑफ दिसबिवियर आर कंट्रोल्ड ऑन टाइम एंड कैन बी अवॉइडेड इन स्कूल्स इफ पेरेंट्स आर ड्यूली इंफॉर्म्ड अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ देयर वर्ड्स इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम तीन चीजों के ऊपर तीन बुनियादी चीजों के ऊपर पेरेंट्स के साथ एग्री करें पहली चीज तो ये है कि डिजायर्ड बिहेवियर्स जो हैं वो पेरेंट्स को बताए जाए कि जब उनका बच्चा स्कूल में आ जाता है जब वो एक अदारे का हिस्सा बन जाता है या वो एक अदारे में दाखिल हो जाता है तो फिर प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वॉट आर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स वहां पर उनके बच्चे को कैसे बिहेव करना है इसके लिए हमने पहले भी बात की थी के रूल्स एंड रेगुलेशंस दे नीड टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड रिटन एंड कन्वे टू ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स पेरेंट्स बीइंग अ मेजर स्टेक होल्डर तो सबसे पहले तो जो डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं उनका सबको मालूम होना चाहिए कि वो ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं विच आर एक्सपेक्टेड इन स्कूल्स पेरेंट्स नीड टू नो दोस बिहेवियर्स चिल्ड्रन नीड टू नो दोस बिहेवियर्स टुगेदर विद अदर स्टेक होल्डर्स तो जब जो है सब लोग जो है अगर वो एक ही सतह के ऊपर होंगे और वो उनको सब बिहेवियर पैटर्न का पता होगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो मिसबिहेवियर्स हैं दे कैन बी प्रिवेंटेड इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को गाहे ब गाहे ये बताया जाए कि उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में कैसा बिहेव कर रहे हैं जैसे हम एकेडमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं जैसे हम पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाते हैं और एकेडमिक डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं उस एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ बिहेवियरल डेवलपमेंट जो है उसके बारे में भी खासी बात करनी चाहिए तो ये जो है इसका जो है वो है। वो स्कूल करता अदर स्टेक होल्डर्स इन स्कूल्स मस्ट इन्फॉर्म द पेरेंट्स के उनके जो बच्चे हैं वो बिहेवियरली कैसे चल रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा पेरेंट्स को यह बताना बेहद जरूरी है कि ल बी द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ अ सर्टन बिहेवियर और असबिहेवियर ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स मस्ट बी टोल्ड दैट इफ देअर चाइल्ड बिहेव इन अटन वे देन देर विल बी अ कॉन्सिक्वेंस फॉर दैट इसके लिए भी ये बताना बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम रिटर्न तरीके के साथ पेरेंट्स को पहुंचाएं ताकि उनको मालूम हो और फिर अगर उनका बच्चा मिसबिहेव करता है तो पेरेंट्स शुड ऑटोमेटिकली नो कि इस मिसबिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा